तो आप मतलब वैक्सीनेशन के बारे में अपने परिवार के लिए जानना चाहते हैं या फिर लोगों को बताने के लिए? अच्छा, सभी सब आ गया, लोगों में मेरे परिवार भी आ गया, सभी को बताना है, काफी सभी तो आ आप गया। आपके मतलब खुद के बच्चों के लिए भी जानना चाहते हैं आप? नहीं, मैंने शादी नहीं करी है। मेरी अच्छा, क्या एज आपकी? 38। अच्छा, विवाह करने नहीं वाले हैं आप? मैं अभी तो ब्रह्मचर्य पे हूँ। तो वैक्सीनेशन पे आप मैं आपको फोन पे कितना बता पाऊंगा इस बारे में? तो आपने क्या कुछ मतलब आपको मेरे वीडियोस वगैरह देखे हैं आपने कभी? नहीं, नहीं, मुझे आपके बारे में जानकारी वो अभिषेक पेज से हुई। आपने वीडियोस वगैरह नहीं देखे हैं अभी तक हमारे ना? आपके नहीं देखे हैं, बाकी वैक्सीनेशन के टॉपिक में थोड़ा बहुत मुझे पता है, बट प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्सफुली है कि लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो बचाया कैसे जाए, मुद्दा ये है, बचाया कैसे जाए, किस फोर्स से हम किससे बचाना चाहे किससे बचाने का प्रयास करेंगे आप? वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन बचाया कैसे जाए? मतलब ये तो फोर्सफुली है ना कि आपने नहीं, लेना तो ही पड़ेगा, कंपलसरी है। आप ये मान लीजिए आपको हम बताएं कैसे बचाना है, तो आप फिर उसको लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे आप? तो लोग तो वही तो प्रूफ मेरे पास लोगों वही अगर सारी तो अभी इंफॉर्मेशन। अभी आपको क्या लगता है कि मतलब वैक्सीनेशन नहीं देना चाहिए? इतना तो क्लियर है ना आपको? हाँ, नहीं लेना ही नहीं चाहिए वैसे। देखो, अच्छा, तो मतलब अगर आप आप मेरी बात मैं करोगे कि मैं मेरी फैमिली के लिए शायद प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ या मेरे लिए, देखिए वो हर किसी का एक टॉपिक है। मैं तो खुल के बात करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है। पर मेरा मुद्दा, अभी भी आप मेरे स्टेटस में देखोगे ना, मैंने अपलोड किया हुआ है वैक्सीनेशन के मतलब रियल ट्रूथ के बारे में, डॉक्टर राशिद गोटार का, ठीक है। तो मैं ये करता रहता हूँ, मैं मैसेजेस पहुँचा रहा हूँ, जहाँ मेरे से जितना हो, जो समझे जितना समझता है समझता है उनके लिए अच्छा, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेरा प्रश्न कुछ और था। मतलब किसी को आप अवेयर करेंगे, भेजते हैं, तो मान लीजिए मुझे आप मैं वैक्सीनेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, मान लीजिए आपने मुझे अपने स्टेटस पे या जो भी आपने प्रचार किया कहीं जाकर लोगों को बताया, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप क्या उत्तर देंगे उसका कि भाई मेरे बच्चे को जो आप कह रहे हो कि टीका नहीं लगाना चाहिए, वो बीमारी होगी तो आप जिम्मेदारी लोगे क्या उसकी? हाँ, ले लूंगा ना जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं, उसमें तो साइड इफेक्ट ही है ना। नहीं, जिस बीमारी का टीका नहीं लगा है बच्चे को, मान लो पोलियो का टीका है या फिर कोई और बीमारी, MMR, मीजल्स है, कुछ भी है, वो बीमारी हो गई तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? और नहीं हुई उसकी क्या जिम्मेदारी है कि नहीं होगा, लगाने के बाद भी नहीं होगा उसका नहीं, क्या? वो तर्क नहीं, वो कह रहा मेरे बच्चे का मैं रिस्क क्यों लूं मैं आपकी बात सुन के? ये प्रश्न होता है पेरेंट्स का, उसका उसका रिप्लाई क्या नहीं है मुझे। क्योंकि अभी क्या है आप अगर इसको बताने जाओगे ना तो दो चीजें पूछेंगे लोग कि भाई एक तो वैक्सीनेशन नहीं दें तो मेरे बच्चे को ये बीमारी हो गई तो आप क्या करोगे? तो आप आपके सर मतलब रात को अगर वैक्सीनेशन नहीं दिया है और रात को एक छींक भी आ गई ना अगर बच्चे को, तो वो आपको कॉल करके बोलेगा, कॉल करके बोलेगा ये यस। बोलेगा कि मेरे बच्चे को छींक आ रही, वो इसलिए नहीं बोलेगा कि आप मुझे इलाज बता दो, वो इनडायरेक्टली ये राइट, कहे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि मेरे बच्चे जो मतलब नॉर्मली जुकाम सर्दी आप बुखार रिस्पॉन्सिबल हो, कुछ भी सबको हो रहा है सबको कोई होता बात है, नहीं, नॉर्मली जुकाम सर्दी सबको होता है, हर किसी को होता है, राइट। लेकिन लेकिन वो अगर हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि ये वैक्सीनेशन ना देने की वजह से हो रहा है। हाँ सही बात है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने आपको वैवाहिक का स्थिति का इसलिए पूछा ना आपसे, मैंने उसका आपका व्यक्तिगत सवाल था वो आपका, लेकिन मैंने क्यों पूछा क्योंकि जो व्यक्ति के खुद के बच्चे नहीं है, दूसरा व्यक्ति उसको सीधा ही बोलेगा कि भाई आपके नहीं है ना, आपके नहीं है ना, इसके लिए आप ऐसी बात बस करते तो मेरे हैं। इसलिए ये बोल रहा एक बार हूं, हो भी चुका है ये टॉपिक पे, मैं मैं वही समझ बोल रहा हूं, सकता तो हूँ। ठीक आप ना इस बात को बोलने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं हो, ओके। नहीं असल ये बात कड़वी है लेकिन नहीं ठीक है ठीक आप है, समझ रहे हैं, समझ क्योंकि गया। होता क्या है कि जब 2012-13 में जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ अभी 2018 में, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं क्यों टीकाकरण करवाया, तो जो लोगों के अंदर एक होता है कि भाई दूसरे बच्चों के लिए बोलना आसान है, जब खुद के होते तब पता लगता है, तो भाई हमने नहीं लगाया एक भी आज तक टीका, स्वस्थ है दोनों बच्चे, तो हमको इस चीज की क्लैरिटी है तो हमें आदर्श बनना पड़ता है इसके लिए, तो सही बात है। आप बात समझ रहे हैं ना?
तो आप जो है इसका विकल्प के रूप में आप बात करने की बात करो, आप इसको टिकट छुड़वाने की बात मत करो, क्योंकि लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं, बराबर है। आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप विकल्प की बात करो, क्योंकि क्या होगा, जिसके मतलब कहते हैं, जिसने जो व्यक्ति परिवार नहीं बनाया जिसने अपना, उस व्यक्ति की बात को ये होता है कि अरे तो इनका तो काम है वो करना। हाँ, मतलब ये हमको भी बोला जाता था कभी ये। समझ गया मैं। ठीक है, तो आप विकल्प की बात करो कि भाई टीकाकरण नहीं दे तो क्या दें। तो विकल्प का प्रचार करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग पूछेंगे कि भाई विकल्प देने की क्यों जरूरत पड़ रही है यदि टीकाकरण है तो वो आपसे पूछेंगे कि अब टीकाकरण में क्या खराबी है जब अगर ये देना पड़ रहा है। तो तब आप उनको बताओ, जब वो चाह रहे हैं आपसे जानना कि आ भाई इधर, मैं तेरे को टीकाकरण के नुकसान बताता हूँ, पेरेंट्स को पकड़ के बताओगे तो नहीं सुनेंगे, आपकी बात की गरिमा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी इसमें। बात सही है। आप उसको विकल्प दो, विकल्प भी इस तरह से दो कि ये आपको टीकाकरण की, मतलब हम उसे बोलते हैं स्वर्ण प्राश, हमारे पास इसका विकल्प है स्वर्ण प्राश जो है, स्वर्ण प्राश हम बोलते हैं, मैंने जो उसका नाम रखा उसको बोला कि आयुर्वेदिक टीकाकरण है भाई। टीकाकरण भले वो इंजेक्शन से नहीं दिया जा रहा, लेकिन ड्रॉप के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन हमने उसको आयुर्वेदिक टीकाकरण जैसे ही बोला तो लोगों के बीच में, मतलब लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं अंदर एक वो है, क्या कहते हैं उसे, डर है कि भाई ये जो आधुनिक टीकाकरण है ये नुकसान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के प्रेशर में या कोई कन्विंसिंग इतना उनको बता नहीं पाता है कि वो क्या करेंगे उसको मान नहीं पाते। लेकिन जैसे आपने विकल्प दिया तो विकल्प पे भी करने को तैयार है, और कहीं ना कहीं ये भी करने को तैयार है कि हम वो टीकाकरण भी दे रहे हैं और ये वाला भी दे रहे हैं। तो आप ऐसे बात करोगे तो आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली होगी। मतलब हम स्वर्ण प्राश का टीका दे रहे हैं, राइट? हाँ, स्वर्ण प्राश को चला रहे हैं ओके। जो, मतलब और बल्कि ये तो आधुनिकीकरण है, लेकिन वो 4,000 वर्ष पुराना जो है कश्यप ऋषि का फॉर्मूला है वो, हाँ, तो उसका पूरा आर्टिकल मेरे उसमें है, आप उसे पढ़िए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, बताइए। तो उसमें से और जो है पुष्य नक्षत्र पड़ता है अगला, शायद 28 मई को पड़ेगा, तो उस दिन जो है निःशुल्क स्वर्ण प्राश पिलाने के लिए कैंप लगाइए, हम आपको निःशुल्क स्वर्ण प्राश की शीशी देंगे, उसमें अगर लॉकडाउन खुल गया तो हम निःशुल्क स्वर्ण प्राश की शीशी देंगे। एक दिन के लिए आप 30, 40, 50, 60 बच्चों जितने को पिला सके आप पिलाइए, जो लोग टीका, आप उनको ये मतलब टीका छोड़ दो, आप उनको ये पिलाते रहो जिससे इसका भी लाभ मिल जाए उनको ना। फिर आपसे बात करने की कोशिश करें, फिर एक एक कार्यक्रम कर लो भाई, 10, 5, 10, 15 लोग बैठा लिए पेरेंट्स को, भाई ये चीजें स्वर्ण प्राश में होती हैं, ये होती हैं, आप भले उसको एक प्रोडक्ट की तरह प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे होगी कि मैं आपके बच्चों की कुछ भलाई चाहता हूँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि आप ऑब्वियसली सीरियस में नहीं हो, लेकिन होता है ना कि व्यक्ति सोचने लगता है कि अरे इसको शीशी बेचनी होगी इसलिए इतना बोल रहा है, सामाजिक काम इतना आसान नहीं होता ना। हाँ, तो अपनी बात की गरिमा रखना, ये आपके, आपने ये लोड नहीं लेना कि सबको मैं बदल दूंगा, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति, किसी के बच्चे तभी स्वस्थ रहेंगे जब उनके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसके स्वस्थ रहना लिखा है। माध्यम आप बनोगे, लेकिन हर कोई आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अभी उनके प्रारब्ध के कर्मों के पाप का फल भुगतना बाकी है। तब तक वो बच्चे जो हैं या माता पिता जो हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, जब उनके पाप कर्म पूरे हो जाएंगे, पुण्य का उदय होगा उनका, तब तब वो मानेंगे तब आपको आप। एक साल बाद कॉल करेंगे, अरे भाई साहब आपने उस समय कुछ बात बता रहे थे, जरा बताना वो आपने क्या था। अध्यात्म वाली बात कर दी, मैं भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ तो अच्छा लगेगा काफी। नहीं तो इसी के, इसके बिना तो आप सामाजिक काम कर नहीं सकते ना, फिर आप क्या करो, लोड लेके बैठ जाओगे कि भाई अरे मैं तो, मेरी बात ही नहीं मान रहा कोई, सब मुझे उल्टा समझ रहे। बल्कि जो नहीं मान रहा है उस पर दया दया आएगी आपको कि चल बेचारा ये वो है, आपको खुद पे दया नहीं आएगी कि मेरा तो कुछ यार मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा, लोग मान ही नहीं। नहीं, ये अध्यात्म के बिना ये काम होता भी नहीं है, नहीं तो आप तो डिप्रेशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। बहुत लोग मेरे को कॉल करते हैं, आप पहले नहीं हो मुझे इस बारे में कॉल करने वाले, क्योंकि मेरी, मुझे बात करने में ये अनुभव हो चुका है कि मैं पहले पूछता हूँ कि खुद व्यक्ति जो है समाज के लिए आदर्श है कि नहीं। सही बात है। बस तो अपने आप को या तो आदर्श बना लो आप। कितने एज से बच्चों को दिया जाता है? आपको मैं काम करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको मैं आर्टिकल भेज रहा हूँ, उसको पढ़ो आप, उसको सब जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, और ये कंटिन्यू लेते ही रहना पड़ता है कुछ टाइम? 12 वर्ष की, 12 वर्ष की, 12 वर्ष की आयु तक लेना पड़ता है। ओके फाइन। और अभी क्वेश्चन तो फिर भी वहां पे रह गया। अगर मैं ये जो अपने स्वर्ण का बात करी टीका की, तो
बट अभी ये कोरोना वैक्सीन तो अलग हो गई है, तो सभी को चिपकाया जाएगा, तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका तो कुछ वैसा नहीं है ना, ये तो फोर्सफुली दिया नहीं, जाएगा। फोर्सफुली की बात नहीं है, फोर्सफुली नहीं दिया जाएगा, लोग लाइन लगाएंगे इसके लिए। हाँ 90% तो लाइन लगाएंगे या नहीं? नहीं, लाइन क्यों लगाएंगे, उसका उसकी स्थिति पैदा की जाएगी ना। नहीं डर नहीं, डर नहीं, जो लोग नहीं भी लगवाना चाहते, जो बहुत दृढ़ नहीं है, जिसको आपकी वैक्सीनेशन के कंफर्मेशन के बाद ही आपको रेलवे टिकट या फ्लाइट की टिकट, बस की टिकट, बस में बैठने दिया जाएगा, तो जब इतना आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा तो आप कहोगे कि जी नहीं लगा दो जी, मेरे को तो अपना काम धंधा करना है। समझ रहे हैं ना? भी आ रहा है आई थिंक। हाँ वो तो अभी काम उस पर चल रहा है, लेकिन बात यह है कि वो लोगों को, सरकार सबके पीछे पड़े, आधार कार्ड के लिए क्या किया, सबने लाइन लगाई ना, ऐसे इसके लिए भी होगा, तो वो तो साइकोलॉजिकली वैक्सीनेशन अगर किसी ने लगाई नहीं तो वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि चिप नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, चिप भी साथ में इम्प्लांट करेंगे ना। कुछ भी हो, वैक्सीनेशन कार्ड बनाए, कुछ भी करें, आधार कार्ड से जोड़ दें, क्या एक्स वाई जेड जो भी इनके तरीका होगा, कुछ तो सोच के बैठे होंगे, ये भी कम चलाक तो है नहीं जब इतना कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है ना।